मॉर्निंग गाइस, आज है 4 मार्च और हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये हम लोग का लॉबी है होटल का और दर्शन के लिए आदमी वहाँ नीचे पे हम लोग बुलाए हुए हैं और चलते हैं। देखिए होटल का रिचा भी है, हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी लोग दर्शन करके आ गए हैं। ये रहा लिफ्ट, हम लोग हो गए तैयार, चलते हैं वहाँ नीचे। तो अब आज के ब्लॉग में स्वागत करते हैं आपका चलनस ब्लॉग्स में। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सीन दिखाने का। तो मिलते हैं आप के लिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को रिचा हमेशा कंफ्यूज रहती है हर बार की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, सीढ़ी देख तो चलते हैं। और हमारे लिए वहाँ एक इंतजाम किए हैं होटल वाले ने, तो वो उनसे मिलेंगे। चलिए चलो, मेन गेट है, ये VIP गेट है। और हमारे साथ राहुल झा जी हैं, पटना से आइए या कहीं से आइए, इनका नंबर हम शेयर कर देंगे, इनसे जरूर मिलिए। हमारे भाई भी हैं। और बोटिंग हो, बोट राइड हो, या पूरा बनारस घूमना हो, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका पर्सनल नंबर हम शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। और यहाँ पे है रिचा अपना कुछ दानपुर में लगी हुई है, तो ये चीज। इसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे और VIP दर्शन होता है यहाँ पे, इसके बाद दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करके आते हैं तो बताते हैं कैसा रहा अनुभव। रुद्राभिषेक भी हमको करना है अंदर में, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं आपको रुद्राभिषेक। दर्शन बहुत अच्छा रहा, फोटो में आप सब देखिएगा। और रोशन झा जी के स्वजन से ये सब हो गया है। अभी हमारे साथ ये जा रहे हैं और अभी हम लोग भैरव को दर्शन करेंगे, काल भैरव का। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे गाइड भी हैं, तो ज़रूर संपर्क करेंगे। जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो खासकर दिल्ली और बिहार झारखंड के, वो ज़रूर आए, तो साथ में भी आपके साथ जाएंगे जहाँ भी आपको जाना है। और सुबह सुबह सब दर्शन कराए, इनके पास पूरी जानकारी है कहाँ खाएँ कहाँ नहीं खाएँ, सारा चीज़ अच्छी चीज़ों की। और व्यवहार तो बहुत अच्छा है, 10/10। और ये भी है हमारे समाज से हैं, तो हम लोग जरूर इनको सपोर्ट करें। जितने भी हमारे ब्रदर भाई लोग हैं, इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और पर्यटन को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम लोग यहाँ पर आएँगे। और कोरोना काल में 3 साल में हर लोग त्रस्त था, अब सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव, और यहाँ पे क्योंकि गलियाँ बहुत संकीर्ण होती हैं, तो हम लोग जो है ई रिक्शा ही यहाँ पे लेके निकले हैं। और अभी हम लोग दर्शन करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर सारनाथ का अगल बगल घूम लेंगे, फिर शाम को हम राहुल भाई के साथ ये जाएंगे। तो मिलते हैं काल भैरव के दर्शन के बाद। काल भैरव का दर्शन हो गया है, राहुल जी करा दिया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं हमसे एंट्री होता है, ये VIP गेट है जहाँ से हम लोग गए थे। और ये देखिए हम बनारस का है, ये पीछे से आप देख सकते हैं। ये यहाँ भीड़ है, यहाँ पे जब भी सुबह सुबह जितना सुबह आइएगा उतना अच्छा, सुबह चढ़ते ही भीड़ हो जाती है, शाम को तो इतना भीड़ होगा क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल केंद्र हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है, हर चीज़ की सुविधा, लॉकर प्रचार हर चीज़ का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, काउंटर है सारा चीज़ का। और यहाँ पे आप दर्शन सुगम बुकिंग इन सब कर सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये देखिए, फिर हम लोग शाम को जो है चलेंगे तो दिखाएँगे आपको जो मेन गंगा आरती होती है, उसका वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। आज
हम लोग सारनाथ फिर देख जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चल के उसका वीडियो उसमें हमको आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ से लाइन, ये किस चीज़ का लाइन? अच्छा देखिए लाइन लग गया, देखिए ऋचा जी लाइन लग गया है। राहुल जी आपको दर्शन जल्दी करा देंगे। देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हैं हमें, अब लाइन ये बढ़ते बढ़ते चौक तक चला जाता है, तो आप दर्शन जरूर करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। लस्सी उस्सी भी यहाँ पे है, लस्सी पी सकते हैं, और साड़ी उड़ी का कलेक्शन भी दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं होटल नाश्ता करने, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो गाइस बनारस के दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज डे टू है। हेलो गाइस, हम लोग फिर अभी शाम को निकले हैं गंगा आरती के लिए। सुबह दर्शन किए थे, फिर एक बार मैं गया था, ऋचा होटल में भी थी, क्योंकि कुछ जो मेरे प्रिय भाई लोग हैं उनके लिए पूजा करना था। तो फिर हम दोबारा गए खुद से मंदिर परिसर के बाहर, वो पूजा होती है वो किए, इसके फिर लौटे तो खाए। अभी शाम हो चुका है, 6 लगभग बज रहा है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं फिर राहुल जी जो हैं हमारे उनके साथ, तो ये पूरा टूर कराएंगे। और अभी जो है हम जो हिस्टोरिकल स्ट्रीट जो बना हुआ है उसमें हम लोग चल रहे हैं, और हम दिखाएंगे यहाँ की तस्वीर आपको, और चलते हैं और गंगा घाट का आनंद लीजिए मेरे साथ। आज डे टू है, फिर कल देखें क्या करते हैं। चलिए। अच्छा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राठे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे ना, हाँ, उनके नाम से बनवाया गया। तो ये देखिए, क्योंकि मोटर के बाद है, और ये यहाँ घाट है जो सामने देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जो है आरती होगी। गिरेगा मोबाइल, यहाँ पे राजा दशरथ ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसी के बाद है यहाँ घोरा घाट है इसका। इसका पूरा नाम जो बता रहे हैं हमारे गाइड साहब, वो घोरा घाट। तो हम लोग शाम को घूमते फिरते यहीं से आरती का मजा लेंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के राजा थे।
जो अंग्रेज को भगाने के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे। हाँ वहाँ पे हाँ अच्छा ये देखिए सामने आ रहा है आपको। हाँ जो जिसमें मोदी जी जो है घूमते हैं। अच्छा ऑनलाइन बुकिंग होता है इसका, इसी पे मोदी जी खुल रहा है ना, और इसे घूम आते हैं तो घूमने थे दो एक दो बार घूमे हुए। कितना किराया उसका? फिल्म का शूटिंग जोली LLB। हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अब मसान वाला कहाँ शू इसी में? अच्छा अच्छा
हमारे से बहुत सारी फिल्म के हो गए, पूरी टीम 100-150 की टीम, कोई वेब सीरीज वगैरह होगा नेट सीरीज का, उस पर काम चल रहा है लाइट का, जानकी घाट और इसमें। अब हम आगे चलते हैं और देखिए क्योंकि आवाज़ ज़्यादा है रोड का, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपको हम देख लेंगे। जी मीनार है, तैयारी चल रही है 80 घाट पर आने की, और सामने है नीचे बैठे हुए हैं, और सामने जो आरती होगी लगभग 10,000 से लेकर 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं सामने हैं, और पूरे लोग भरे हुए हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं, और सभी को खड़े होने के लिए मना किया गया कि नाव डूबता है। कहीं देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे देखिए पूरा नाव है, छत से आप देख सकते हैं आरती अगली बार आप उसमें जाने का प्रयास करेंगे। कहीं देखिए छोटा सी भी किसी भी कमेज जो जा रहा है, और अभी कहा जा रहा है कि नीचे बैठ के ही करना है आपको, हम आपके लिए स्पेशल जो है आरती दिखाएंगे हम लोग। ये रहा ये आरती विश्व प्रसिद्ध है गंगा आरती, इसके बाद ही और जगह पटना उटना और जगह पे शुरू हुआ है। तो ये देखिए इतना भीड़ है, यहाँ जगह बिल्कुल नहीं मिलता। कुछ दिन पहले ही आरआर के जो डायरेक्टर थे और जूनियर एनटीआर और राम शरण सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने भी नाव पे देखा था, तो सारे लोग अभी हैं। जब आरती शुरू होगी तो हम लोग जो है
दिखाएंगे आपको स्पेशल इस पर। तो ये देखिए आज हमने आपको मंदिर दर्शन कराया और आरती दिखाएंगे हम आपको। दो घाट देख रहे हैं लेकिन मेन यही घाट है। आप आसाम की भी कोई दिक्कत नहीं समझ गए आपकी भाव। और आगे करना चाहिए यही सर नंबर मैसेज किया है विंध्या चल का अंकुर नाम है उनका। जाते हैं देशों के साथ के पीछे कितनी भीड़ है पीछे भीड़ है और देखिए पूरे नाव लगी हुई है पीछे लगभग अभी 25,000 से ऊपर लोग इस आनंद छोड़ जाते हैं देशों के साथ। ये देखिए Thank you.